तो अब जो है वो हम देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मैं लिखता हूं हेडिंग रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड्स। ठीक है, एसाइल क्या था? एसाइल जो है वो आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ये जो चीज है इसको हम एसाइल कहते हैं। सॉरी, ये दिस आर सी ओ इज नोन एज एसाइल। प्रीवियसली वी हैड रिटन दैट एसाइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Now we will see why is this so. ठीक है, over here you can see that you've got CH3 C double bond O Cl। ठीक है यार, देखो इसमें होता ही है ना कि जो सी सी एच थ्री है पीछे और सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें जो है वो आ जाता है डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन में आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव। ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्दर इसके पास आ देता है और ये जो है वो इसके पास देता है। ठीक है, बिकॉज द कार्बोनाइल, ठीक है, बेसिकली होता ही है कि द कार्बोनाइल कार्बन हैज इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉन अवे फ्रॉम इट बाय सी एल एटम एज वेल एज बाय ऑक्सीजन एटम एंड बोथ आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सी एल और ऑक्सीजन जो है वो बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैंस दे पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्व एंड हैंस द कार्बोनाइल कार्बन गेट्स अ रिलेटिवली लार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैंस इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, हैंस इट इज मोर रिएक्टिव। सो आई विल राइट दिस डाउन फॉर यू एंड you have to write that carbonyl carbon, अब लिखिएगा मेरे साथ carbonyl carbon has electrons from it away from it by Cl atom, chlorine atom and oxygen atom atom as both are strongly electronegative. Okay. This gives the carbonyl carbon relatively larger partial positive charge. Or you can say it gets more electrophilic, hence जो होता है वो ज्यादा reactive हो जाता है। ठीक है, so this is the reason why it is more, that why acyl chloride is more reactive. Now what we are going to do is that we are going to see the reactions of acyl halides, and the first reaction that we have over here is hydrolysis of acyl halide. Hydrolysis का मतलब क्या हुआ कि reaction is with water. Okay. अच्छा, तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है इट इज विद वाटर। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है मैं लिखता हूँ
तो वो आप देखिएगा, इट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एच ओ एच एंड ओवर हियर यू गेट सी एच थ्री ओ ओ एच प्लस एच सी एल। सो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल हैलाइड इज बेसिकली रिएक्शन टू रीगेन और रिफॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो था आपके पास था एथेनॉल क्लोराइड, और यहाँ पे आपने इसे बना दिया एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब जो है वो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो इसमें जो है वो आप एक जो चीज बड़ी बावल करना चाहते हो भैया कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आप समझ लेना तो आपके लिए जो है ना वो बहुत आसानी हो जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि ये एक ही मैकेनिज्म है जिसमें आता है, बात ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब जो है वो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मैकेनिज्म। ये है आपके पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं आपके पास ओ है, एच है, एच है। ठीक है, यहां पे ओ के पास जो है वो लोन पेयर्स है। ठीक है, और ये जो है ये इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। अब होता ये है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देता है कार्बन को, तो उससे जो है वो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ना ये अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देता है ऑक्सीजन को। ठीक है, कार्बन का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ ये अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ओके। तो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अब क्या बनेगा, अब जो है सी एच थ्री सी ओ सी एल ओ ऑक्सीजन आके उसके साथ अटैच हो गया क्योंकि उसने बॉन्ड लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और इसके पास था नेगेटिव। ठीक है, अब वो कहता है कि यार मैं जो हूँ, अब ये जब ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ठीक है, ये अपने लोन पेयर जो है वो दे देता है इसको वापस, ताकि इसके पास डबल बॉन्ड वापस आ जाए। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो अपना ओ पॉजिटिव जो है वो रिमूव करने के लिए एच पॉजिटिव से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अभी होता है कि जब ऑक्सीजन है जो है वो नेगेटिव चार्ज अपना रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को वापस करता है ताकि अपना डबल बॉन्ड वापस बना सके, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर बना था ना, जो ये वाला बना था, ये तो अनस्टेबल था, तो इसको स्टेबल करना है ना हमने। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को देता है और डबल बॉन्ड वापस बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देता है, तो कार्बन ने एक बॉन्ड तो रिमूव करना है क्योंकि कार्बन दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा होगा, एक सी एच थ्री के साथ और एक नीचे ओ एच के साथ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा। ठीक है, अब वो क्यों टूटेगा, वो इसलिए टूटेगा क्योंकि उसने चार बॉन्ड पांच हो जाएंगे ना, और वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड जो है वो अपनी खैर मना ले, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो होगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एच सी एल।
ठीक है, तो वो ये एथेनोइक एसिड और HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl बेसिकली कहाँ से बना था? HCl जो है वो ये वाला एच जो रिमूव हुआ है वो HCl के साथ बना के HCl बना देगा। ठीक है, अच्छा ओके, सही है। अब इसका मैकेनिज्म जो है ना वो तो ये तो इसका मैकेनिज्म था ना, ये एक ही स्टेप में जो है ना वो शो करना होता है हमने। ठीक है, अगर ये दो स्टेप्स में शो करना होता है तो हम बीच में ये वाला स्टेप भी शो कर सकते हैं जिसमें HCl बनता है, बट वो जो है वो उसके हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने एक ही स्टेप में इसको शो करना है तो एक ही स्टेप में शो हुआ है, तो ये आप याद कर लें। तो ये जो था ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड था, हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर। मैं एक और एग्जांपल इसमें इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो जाए, अगर मैं वाटर को रिप्लेस कर दूँ किसी और चीज के साथ, फॉर एग्जांपल मैं वाटर को रिप्लेस कर देता हूँ अपना CH3CH2OH के साथ, ठीक है, तो वो आप बना सकेंगे? क्यों नहीं बना सकेंगे, आप बना सकते हैं, आपको सब कुछ आता है बेटा, बनाए। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ आपके लिए, तो उसकी जो है वो आपने बना ली। इक्वेशन है CH3CH2O, सॉरी 3C(OCl) +CH3CH2OH CH3CO(OH)2CH3+HCl। इसमें क्या बना है? एस्टर बना है। ठीक है जी, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, इसमें जो है वो एस्टर बना है, क्योंकि ये आपके पास COOC आया है। अब इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैकेनिज्म, यहाँ पे आपके पास है CH3C(OCl), ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है CH3CH2OH। ठीक है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि इसने जो है वो अपना पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, और इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर जो है वो इतने लोन पेयर्स हैं, और ये जो है ये अपना ऊपर बॉन्ड इसके साथ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा वो होगा CH3COCl और CH3CH2OH। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रह गए क्योंकि एक तो इसने इसको दे दिया। ठीक है, अब जो इसके पास एक और लोन पेयर दो और आ गए, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये अपना पाई बॉन्ड वापस इसको देगा, ये सीएल बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो है ये पॉजिटिव अपना बॉन्ड भी यहाँ से तोड़ लेगा, तो आपके पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो CH3C(OOCH2) CH3+HCl बनेगा। ठीक है, सो ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये एक और एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बता दिया। अनदर रिएक्शन दैट एसाइल हैलाइड का है, एसाइल का नहीं है जनरल है, वो है फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर। तो इसमें क्या होता है? ओ एच है प्लस NaOH के साथ रिएक्शन होता है, नेगेटिव Na पॉजिटिव बनता है,
प्लस एच टू ओ बन जाएगा. एंड द नेम ऑफ दिस थिंग फॉर्म इज सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, ठीक हो गया. तो ये रिएक्शन आपने देखा हुआ है ना. अब जो है ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है हमारे पास, इसका रिएक्शन करवाना है. ठीक है, ये तो हमने पहले देखा है ना, उसमें फिनोल में रिएक्शन देखा है. अब जो है ये सोडियम फिनॉक्साइड के रिएक्शन करवाना है एथाइल क्लोराइड के साथ, तो वो कैसे करवाएंगे देखिएगा. आपके पास है रिएक्शन करो क्या बनेगा, NaCl जो है वो यहां से जो निकल जाने, तो रिएक्शन करें 3 double bond O O plus NaCl. ठीक है, एंड दिस थिंग दैट इज फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड फिनाइल इथेनॉइड. ओके, सो दिस थिंग इज फॉर्म. तो ये जो है ये भी एक किस्म का एस्टर ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सी ओ ओ सी बॉन्ड बना रहा है. अब पूछ रहे होंगे सी कहाँ है, तो सी यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो ये जो है ये इस तरह का आपके पास है. ठीक हो गया. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद एसिटाइल क्लोराइड. बिफोर वी फिनिश दिस रिएक्शन आई वॉन्ट यू टू राइट अ नोट. देर इज नो रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान ना कोई रिएक्शन नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए दोनों जो है ना वो वीक एसिड्स हैं. ठीक है, और वीक एसिड्स आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते. अगर बीच में से कोई एक भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता ना तो रिएक्शन हो जाता, लेकिन वो वीक एसिड है तो उसका रिएक्शन नहीं होगा.